हेलो एवरीवन सो आज बनाते हैं पालक पकोड़ा मुझे बहुत मन था कुछ तो चटपटा खाने का तो न्यूट्रीफ ने मुझे उनके फ्रेश पालक भेजे सो लुक एट द क्वालिटी दे है पहले मैंने इसको धो के अच्छे से सुखा लिया और फिर इसको मैं कट कर लूँगी ऐसे हल्का सा सुखाना है इसको अच्छे से कट कर लो फिर एक बोल में इसको ऐड कर लो ये बोल में मैंने अब बाक़ी इन्ग्रीडियंट्स ऐड करूँगी जैसे कि प्याज थोड़ा सा प्याज लहसुन बेसन और बाकी मसाले लाइक मंगरई मतलब ब्लैक जीरा अजवाइन हल्दी जीरा सौफ लाल मिर्ची और नमक अब नमक इसमें मैंने काला नमक मिलाया ताकि टेस्ट एक अलग सा एनहांस हो जाए उसके बाद पहले मैंने इसे चम्मच से मिलाया बट एक अच्छा पकोड़ा बनाने के लिए आप हमेशा हाथ से मिक्स करना उससे पालक पकोड़े बहुत फॉर्म और सॉफ्ट बनते हैं ये मिक्स करने के बाद इसको अराउंड फाइव मिनट तक मैंने ऐसे रख दिया अब एक पैन में तेल तेल में मैंने इसे मीडियम आँच पर अराउंड फाइव टू सिक्स मिनट के लिए पका लिया तो सबसे पहला बैच मैंने स्पून से डाला मैं शेप देखना चाहती थी उसके बाद जैसी मैं हूँ हाथ से डालने वाली ये पकने के बाद निकाल दिया अब मैंने हाथ से डाला हाथ से आप बहुत छोटे और साइजेस बहुत डिफर करते हैं तो आप देखोगे ये अच्छे से बन गए हैं एंड दे आर रेडी इन्जॉय दिस सीज़न